दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक ज़ाइम फर्टिलाइजर के बारे में। इसको प्लांट्स पे कैसे यूज कर और करें और कितना यूज करें। ज़ाइम एक सेफ बायो फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो ग्रैन्यूल्स यानी दानों की फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। चूंकि ये ऑर्गेनिक है, ये हर तरह के प्लांट्स पे यूज किया जा सकता है, यानी आप इसे वेजिटेबल गार्डनिंग में भी सेफली यूज कर सकते हैं। ज़ाइम फर्टिलाइजर्स सीवीड्स एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है जो बिल्कुल नेचुरल है। इसके कंटेंट्स हैं फल्विक एसिड, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, क्रूड प्रोटीन्स और एल्गेनिक एसिड एक्सट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं ज़ाइम फर्टिलाइजर के फायदों के बारे में। ये पानी में घुल के प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिलने वाली फॉर्म में देता है, जैसे कि फल्विक एसिड, अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड और भी जो भी कंपोनेंट्स हैं वो प्लांट्स आसानी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ज़ाइम सॉइल को सॉफ्ट और फर्टाइल करता है, जैसे कि जिसको सॉइल कंडीशनिंग भी कहते हैं। ये प्लांट को इम्यूनिटी ऑफर करता है, जिससे प्लांट डिसीजेस से प्रोटेक्शन मिलती है। ये प्लांट्स को और भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, मैंगनीज और कई सारे न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स में हेल्थी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रमोट करता है और ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और पैदावार बढ़ाता है। इसका लिक्विड फॉर्म्स कटिंग को डिप करके रूटिंग करने में भी काम आता है और ट्रांसप्लांट शॉक में भी ये प्लांट को बहुत हेल्पफुल रहता है। ट्रांसप्लांट शॉक यानी जो स्ट्रेस प्लांट को रिपॉटिंग और रूट प्रूनिंग के टाइम पे मिलता है उसको ट्रांसप्लांट शॉक कहते हैं। अब ज़ाइम के दाने कैसे यूज़ करने हैं, ये DAP और NPK जैसे ही यूज़ किया जाता है। हाँ, डोजेज ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि ये प्योरली ऑर्गेनिक है। इसे यूज़ करने का तरीका ये है कि हाफ टी स्पून या 20 से 25 दाने सॉइल में गुड़ाई करने के बाद स्प्रिंकल कर दें और जब भी आप वाटरिंग करेंगे ये डिजॉल्व होके प्लांट को मिलता रहेगा। ये आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कर सकते हैं। आप इसका स्प्रे भी बना के डायरेक्ट प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। डोजेज होगा 50 ग्राम 1 लीटर पानी में, या अगर आप लिक्विड फॉर्म यूज करते हैं तो 3 ml 1 लीटर पानी में मिक्स कर दें और स्प्रे कर दें। या आप रूट ड्रेंजिंग भी कर सकते हैं इसको, यानी इसी पानी से, इसी सॉल्यूशन से प्लांट को वाटरिंग कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक थम्स अप क्लिक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में सजेशन या कुछ भी लिख दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल की हर अपडेट मिल जाए। हैप्पी गार्डनिंग।